नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर सीखो हिंदी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक नोकिया का मोबाइल है जिसका मॉडल नंबर है नोकिया 8.1। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसके बैक पैनल को रिमूव करके किस तरीके से अपनी बैटरी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी फूल गई है, ख़राब हो गई है, तो कैसे आप इसकी बैटरी को निकाल कर नई बैटरी लगा सकते हैं। और यही सेम मेथड यूज़ करके जो है आप और भी जो है मोस्टली मोबाइलों के जो है बैक पैनल को रिमूव करके अपनी बैटरी को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको जो है लॉक कर लेते हैं, और अब हम जो है इस मोबाइल को थोड़ी देर के लिए जो हीटिंग मशीन पर रख देंगे। अगर आपका हीटिंग मशीन है, जो टच उतारने वाली मशीन जिसको बोलते हैं, फोल्डर उतारने वाली मशीन जिसको बोलते हैं, तो उस पर आपको थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से रखना है। अगर नहीं है आपको, तो पता है क्या करना है, आपको अपने असेंबली मशीन यूज़ करनी है, जिसे हॉट एयर गन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है प्रॉपर तरीके से, तो दोस्तों आपको एक काम कीजिएगा, मशीन की ये जो आगे की जो ये नॉब देख रहे हैं, इस नॉब को आप निकाल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉब को निकालने के बाद मशीन ऑन करके आपको हल्का हल्का जो है सब तरफ इसकी जो है हीट लगा देनी है अच्छे से थोड़ी देर के लिए। इससे आपका दोस्तों क्या होगा कि जो इसकी जो साइड की जो ग्लू है वो आपकी जो मेल्ट हो जाएगी और अमली निकल जाएगा। हीट फ्रेंड्स आपको नॉर्मल रखना है, ठीक है, और फिर इसको रख देना साइड में। फिर आपको एक कार्ड ले लेना है जो बहुत पतला हो। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ भी पतला बारीक सा कार्ड ले लेना है। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे साइडों में जो है हल्की से जो है गैप देख के इस तरीके से आपको धीरे धीरे लगाना है, और धीरे धीरे इसको जो है नीचे की तरफ स्लाइड करना है, जिससे कि आपकी जो इसके नीचे की लेयर है ग्लू की वो कट जाए और आपका जो बैक ग्लास रिमूव हो जाए। क्योंकि जब आप बैक ग्लास रिमूव करेंगे तभी आपको जो है इसमें इसकी बैटरी चेंज कर पाएंगे, तभी आप अपनी बैटरी को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेथड है सेम, इसको जो आप और भी मोस्टली जो फ़ोन है इस टाइप के आ रहे हैं उनमें आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अपने बैक पैनल को रिमूव करके आपकी अगर बैटरी बैकअप नहीं दे रही है और वर्क नहीं कर रही है सही से प्रॉपरली, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करना। ध्यान रखिए दोस्तों, जो नोकिया 8.1 है इसमें इस साइड पर इसका फिंगर सेंसर का जो पत्ता कनेक्ट है, ठीक है, तो आपको पूरा इस तरीके से स्लाइड नहीं करना है, इस तरीके से पूरा पत्ता, ठीक है, धीरे धीरे आपको जो है कॉर्नर का इतना हिस्सा लेके चलना है। ठीक है फिर इस तरीके से जितना कम से कम एरिया हो उसको कवर करना है। देखिए यहाँ थोड़ा अटकेगा, देखिए जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ग्लू ज़्यादा हार्ड हो रही है, तो वहाँ आपको हल्का हल्का जो है इसको हीट कर लेना है, इस तरीके से मशीन चालू करके हीट कर लेना है। हीट करने के बाद दोस्तों फिर आपको धीरे धीरे जो है स्लाइड करना है ऊपर की तरफ, जिसके भी ग्लू मेल्ट हो जाएगी तो आपका जो है बैक पैनल प्रॉपर जो है आराम से इजीली तरीके से आपका बैक पैनल जो है ओपन हो जाएगा। इतना ऐसा छोड़ देना क्योंकि इधर सेंसर आपका सेट होगा, ठीक है, इस साइड से आप ओपन कर लेंगे साइडों से, तो आपका जो साइड से अपने आप जो है ओपन हो जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से, ये देखिए फिर इसको धीरे से उठा लीजिएगा इस तरीके से, ये देखिए देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है फिंगर सेंसर का पत्ता अटैच्ड है, तो कनेक्ट हो रखा है। अब धीरे से हम इसको जो है ग्लास को नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। अब हम जो इसके स्क्रू को खोल लेंगे, फिर हम इसके जो है फिंगर सेंसर के पत्ते को रिमूव करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से इसके में जो सारे स्क्रू दिख रहे हैं इसको हम रिमूव कर लेंगे। ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो डिस्प्ले डैमेज हो जाएगी। तो पहले हम इसकी जो है इसको हमने कर लिया, इसकी पहले हम जो है फिंगर सेंसर के पत्ते को रिमूव कर लेते हैं, ताकि हमारा फिंगर सेंसर पत्ता जो ब्रेक ना हो जाए, कहीं से डैमेज ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम उठा के साइड में रख देंगे। हम इसके जो है स्क्रू को जो बचे हुए हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसके जो सारे स्क्रू रिमूव कर लिया, अब जो स्टील की पत्ती है इसको हम रिमूव कर लेंगे इसी तरीके से। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो कनेक्टर है हमारा, ये बैटरी कनेक्टर है, और ये जो लाइन जा रही है मेन, ये हमारी चार्जिंग की लाइन जा रही है, चार्जिंग वे की। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार्जिंग पत्ती की जो है वे जा रही है, इसी से हमारा रिंगर माइक्रोवेव सब इससे अटैच्ड है। तो पहले हम जो है इस वाले पत्ते को रिमूव कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम ये जो पत्ता देख रहे हैं बैटरी का, इसको निकाल लेंगे। देखिए मैं दिखाया था आपको बैटरी का पत्ता निकाल के, ये देखिए ये हमने बैटरी का पत्ता निकाल दिया और हमारी जो है बैटरी रिमूव हो गई है। अब इसको इस तरीके से उठा लेना है आराम से। अगर आपकी बैटरी फूल गई है, बैकअप नहीं दे रही है, तो इसको रिमूव करके
दूसरी बैटरी लेके आप इसी तरीके से दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल को जो है ऑन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑन करके ये देखिए, एक बार इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ोन दोबारा से ऑन हो गया है। और फिर ऑन करके आप जो है इसको दोबारा से जैसे HTC आपने खोला था वैसे ही आप इसको पैक कर लीजिएगा। इस तरीके से अपने मोबाइल को जो है, मोबाइल की आप बैटरी चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अब आपका मोबाइल जो है पैक करने का, यूज़ करने के लिए दोबारा से तैयार हो चुका है। थैंक यू सो मच।